हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं पजेसिव प्रोनाउन क्या होता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने टॉपिक भी लिखा है पजेसिव प्रोनाउन क्या होता है। इससे पहले हमने क्या देखा था, हमने देखा था कि प्रोनाउन क्या होता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच में कितना इंपॉर्टेंट होता है। अभी तक जो हमें मालूम था, जो हम सोचते थे कि आई वी यू दे ही शी इट, यही प्रोनाउन होते हैं। लेकिन उसके बाद हमने क्या देखा, मी अस यू यू हिम हर इट और देम, ये भी प्रोनाउन होते हैं, लेकिन इनको क्या बोलते हैं हम, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन बोलते हैं। ऑब्जेक्ट होते हैं, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होते हैं। आज हम क्या देखने वाले हैं, पजेसिव प्रोनाउन का मतलब क्या होता है। इसको हम हिंदी में बोलते हैं एकाधिकारवादी सर्वनाम। सर्वनाम का मतलब क्या होता है, सर्वनाम का मतलब होता है जो नाम के बदले आता है। किसी के नाम के बदले हम कोई चीज यूज करते हैं, मेरे बदले मैंने बोल दिया आए, तो ये क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया। तो प्रोनाउन का मतलब होता है नाम के बदले आएगा। ये चीजें हम पहले देख चुके हैं। आज क्या अलग पढ़ने वाले, आज देखने वाले पजेसिव प्रोनाउन में आता क्या क्या है। क्योंकि अभी तक जो हम सेंटेंस बोलते हैं, जैसे मुझे बोलना है ये चौक मेरी है, तो मैं क्या बोलूंगी, दिस इज माय चौक, हम ऐसे ही बोलते हैं। अब आप मुझे बताइए, यहाँ पर माय चौक प्रोनाउन होगा या माइन होगा, यहाँ पर सर्वनाम क्या होगा, हमें अभी तक मालूम नहीं है। और यहाँ पे चार्ट में क्या लिखा है, माय माइन अवर अवर्स योर योर्स, इस तरीके से पूरा चार्ट है। अब आप मुझे बताइए, यहाँ पर माय सर्वनाम होगा कि माइन सर्वनाम होगा, क्या आप लोगों को आइडिया है। क्योंकि स्कूल में अभी तक हमने क्या पढ़ा है, दिस इज माय चौक, अभी तक हम ये कभी नहीं बोलते दिस चौक इज माइन। तो आज मैं आपको यही बताऊंगी, यहाँ पे दो एग्जांपल्स हैं, सेम एग्जांपल है, दिस इज माय पेन, यह मेरा पेन है, जनरली मैंने बोल दिया यह मेरा पेन है। और सेम सेंटेंस यहाँ पे लिखा है, दिस पेन इज माइन, यह पेन मेरा है। दोनों में क्या अंतर है, दिस पेन इज माइन, इसमें क्या अंतर है। तो यहाँ पर प्रोनाउन कौन सा होगा, यहाँ पर ये तो हमारा क्या है, ये हमारा पजेसिव एडजेक्टिव है। ये मैं आपको आगे बताने वाली हूँ कि एडजेक्टिव क्या होते हैं, पजेसिव एडजेक्टिव क्या होते हैं। लेकिन आज हम क्या पढ़ रहे हैं, पजेसिव प्रोनाउन पढ़ रहे हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि माइन यहाँ पे सर्वनाम है या प्रोनाउन है, कैसे होगा माइन यहाँ पे। माइन का मतलब क्या होता है, मेरा मेरी मेरे। अभी बताइए, मैंने बोला दिस पेन इज माइन, यह मेरा पेन है, मैंने अपना नाम लिया, ऐसा बोला कि यह पेन कुशा माहेश्वरी मैम का है, ऐसा बोला मैंने आपके सामने, नहीं, मैंने क्या बोल दिया, जनरली दिस पेन इज माइन, यह मेरा पेन है। तो नाम के बदले मैंने क्या यूज किया है यहाँ पर, क्या आप में से कोई बताएंगे कि यहाँ पर मैंने क्या यूज किया है, नाम के बदले माइन का यूज किया है। किसका यूज किया है, माइन का यूज किया है। दिस यहाँ पर प्रोनाउन नहीं होगा, दिस आगे होगा, लेकिन इस सेंटेंस में पजेसिव प्रोनाउन जो है वो क्या होगा, माइन होगा, क्योंकि नाम के बदले आया है। सेम सेंटेंस नीचे है, अलग एग्जांपल के साथ देखते हैं, दैट इज योर बुक, वह तुम्हारी किताब है। अभी क्या है, मैं इसको बोलती हूँ, यह ये जो बुक है ना जो मेरे हाथ में है, वह तुम्हारी है, उसकी है। तो मैंने कैसे बोला, दैट इज योर बुक। अब मैं प्रोनाउन के रूप में इसको बोलती हूँ, पजेसिव प्रोनाउन के, तो मैं कैसे बोलूंगी, दिस बुक इज योर्स, यह किताब तुम्हारी है। कुछ अंतर हुआ, नहीं हुआ। बस इस सेंटेंस से हमें ये समझ में आता है कि यहाँ पर उसका पजेशन ज्यादा होता है इन कंपैरिजन ऊपर वाले सेंटेंस के। चलिए हम कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं, और यहाँ पे जो ये चार्ट है, यहाँ पर लिखा है माइन अवर्स योर्स, इसको भी समझने की कोशिश करते हैं। अब देखिए, मैं ऐसा बोलती हूँ, दिस चार्ट इज माइन, दिस चार्ट इज माइन, मैंने ऐसा नहीं बोला दिस इज माई चार्ट, मैंने क्या बोला यहाँ पर, दिस चार्ट इज माइन, दिस वॉच इज माइन, दिस वॉच इज माइन। तो मैंने यहाँ पर किसका यूज किया है, माइन का यूज किया है। अब यहाँ पर देखिए, ये बुक है, ओके, जैसे मैंने पहले एग्जांपल दिया, दिस बुक इज योर्स, ये गर्ल जो बैठी हुई है ना, मैं उसका नाम नहीं ले रही, मैंने नाम लिया है कि अभी तक किसी का नहीं, मैं डायरेक्टली उसके पास आके बोलती हूँ, हे दिस बुक इज योर्स, इसका मतलब क्या, यह किताब या बुक तुम्हारी है। उसी प्रकार से यहाँ पर हम देख सकते हैं, अभी योर्स का तो आपको मालूम ही होगा। अभी हम आते हैं हिस पर, हिस का यूज हम कहाँ पे करते हैं, यदि नहीं समझ में आता तो चार्ट को देख लीजिए, हम किसके लिए करते हैं, ही का यूज लड़के के लिए, और इसका यूज किस लिए करेंगे, कि उसका मतलब किसके लिए करेंगे, गर्ल के लिए या बॉय के लिए करेंगे, बॉय के लिए करेंगे। देखिए, अभी इसके पास ये जो ये शर्ट पहना हुआ है ना, तो मैं ऐसे बोल सकती हूँ, दिस शर्ट इज हिज, जो पीछे बैठा हुआ है उसकी शर्ट है ये, इसने जो पहन रखी, तो मैंने कैसे बोला, दिस शर्ट इज हिज, उसकी शर्ट इसने पहनी हुई है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये गर्ल बैठी हुई है, इसने जो ड्रेस पहना हुआ है ना, एक्चुअली इसका ड्रेस नहीं है, दिस ड्रेस इज हर्स। तो मैंने यहाँ पर क्या किया है, यहाँ पर मैंने क्या किया, नाम के बदले मैंने प्रोनाउन का यूज किया है। हिज और हर्स से हमें ये समझ में आता है कि एक्चुअली में नाम के बदले हम किस तरीके से अलग अलग चीजों का यूज कर सकते हैं। ये तो एकदम इजी है। चलिए अब हम आते हैं इट्स का यूज हम कहाँ पे करते हैं। एक्चुअली इट का यूज हमने कहाँ पर किया था, किसी जानवर के लिए, किसी एनिमल के लिए, बर्ड के लिए, नॉन लिविंग थिंग के लिए। जब हमें नाम नहीं मालूम होता है किसी जानवर का, बर्ड का, तो हम वहां पर इट्स का यूज करते हैं। जैसे मैं बोलती हूँ, दिस बिस्किट इज इट्स, वह बिस्किट उस कुत्ते का है, उस कुत्ते का नाम मुझे मालूम नहीं है, वो रास्ते से जा रहा है और उसका ये बिस्किट है, तो मैंने बोल दिया दिस बिस्किट इज इट्स, तो यहाँ पर हमने इट्स का यूज किया है। चलिए अब हम आते हैं देयर पर। यहाँ पे देयर्स हमें बोलना होगा, यहाँ पर हमें
एस लगाना होता है, देस बोलना है। अब देखिए बाहर ग्राउंड में बहुत सारे बच्चे खेल रहे हैं, उनकी एक बैट मेरे पास है, एक ही बैट है उनके पास में, तो मैं कैसे बोल सकती हूँ दिस बैट इज देयर्स। मैंने क्या बोला यहाँ पर, दिस बैट इज देयर्स। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा। अब हम यहाँ पर आते हैं पजेसिव का मतलब क्या होता है। यहाँ से आपको क्या समझ में आया कि एकाधिकार, अधिकार हमारा हक होता है, जिस पर हम अपने हक से कोई चीज के लिए बोल सकते हैं, वहां पर हम पजेसिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। अभी मेरे हाथ में क्या है, आप देख सकते हैं वॉच है, तो मैं इसको कैसे बोलूंगी, दिस इज माई वॉच, ऐसे मैं बोलूंगी। ये यहाँ पर क्या होगा, पजेसिव एडजेक्टिव होगा। लेकिन यदि मुझे पजेसिव प्रोनाउन में ये सेंटेंस बोलना है तो मैं कैसे बोलूंगी, दिस वॉच इज माइन। मैंने मेरा नाम नहीं लिया है, लेकिन मैंने क्या बोला, दिस वॉच इज माइन। तो आपको ऐसे ही बोलना है। अब हम यहाँ पे थोड़ी सी प्रैक्टिस ले लेते हैं ताकि जो भी डाउट्स रह गए वो क्लियर हो जाएंगे। बस आपको ये ध्यान रखना है कि आपको माइन बोलना है, अवर्स बोलना है, योर्स बोलना है, योर्स बोलना है, हिज हर्स बोलना है, इट्स बोलना है, और यहाँ पर देयर्स बोलना है। अभी ये हॉल है, यदि मुझे ऐसा बोलना है यह मेरा हॉल है, तो मैं कैसे बोलूंगी इसको, आपको माइन का यूज करना है, दिस हॉल इज माइन। यह हमारा हॉल है, दिस हॉल इज अवर्स। नहीं आता है तो यहाँ पर देखना है, यह तुम्हारा हॉल है, केवल मैंने एक उंगली की है, यह तुम्हारा हॉल है, कैसे बोलेंगे, दिस हॉल इज योर्स, दिस हॉल इज योर्स। अभी मैंने दो उंगलियां की हैं, यह तुम्हारा हॉल है, तो कैसे बोलेंगे, दिस हॉल इज योर्स। अब देखिए, अब मैं यहाँ पर आती हूँ उस बॉय के लिए, अभी थर्ड पर्सन के लिए बोलना है, यह हॉल उसका है, तो मैं कैसे बोलूंगी, दिस हॉल इज हिज बोलना है। यह उस लड़की का हॉल है, कैसे बोलेंगे हम, दिस हॉल इज हर्स, यहाँ पर हर है, यहाँ पर हर्स है, ये आपको ध्यान रखना होगा। अब यह हॉल उस कुत्ते का है, कैसे बोलेंगे, दिस हॉल इज इट्स, यहाँ पर आपको इट्स बोलना है, इट नहीं बोलना है, ये उनका हॉल है, अभी मालूम नहीं किन का है, लेकिन ये उनका हॉल है, कैसे बोलेंगे, दिस हॉल इज देयर्स। तो यहाँ पर आपको ऐसे ही प्रैक्टिस करनी है। पजेसिव एडजेक्टिव, पजेसिव प्रोनाउन दोनों ही एक बहुत ही अलग टॉपिक है, तो यहाँ पर देख के आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, बाकी के मैं एडजेक्टिव की वीडियो में बताऊंगी। और यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स और हैं, दैट इज हर चौक, दैट चौक इज हर्स। अभी आप मुझे बताइए, यहाँ पे दो सेंटेंस है, फर्स्ट और सेकेंड, इसमें से पजेसिव प्रोनाउन का सेंटेंस कौन सा है, फर्स्ट वाला है कि सेकेंड वाला है, यस सेकंड वाला है। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर हमने हर्स का यूज किया है। यदि नहीं भी ध्यान रहता है तो ये चार्ट रट लीजिए, कैसे आपको लर्न करना है, आई मी माय वी अस अवर्स बोलना है, अवर नहीं बोलना, यू यू योर्स, ही हिम हिज बोलना है, शी हर हर्स, इट इट इट्स बोलना है, दे देम देयर्स बोलना है। यहाँ पर एसेस लगाने वो आपको प्रैक्टिस से ही आएगा। वो हमने क्या देखा, पजेसिव प्रोनाउन देखा है, इससे पहले हमने ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन देखा था, और सबसे पहले जो हमने फर्स्ट पार्ट पढ़ा था प्रोनाउन का, वो क्या देखा था, नॉमिनेटिव या प्रथमा किसे बोलते हैं। अब मुझे लगता है आपका कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा, लेकिन कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं अभी तक, क्योंकि स्कूल में जो हमने पढ़ा IVU पढ़ा, उसके बाद हमने मी का यूज पढ़ा, आफ्टर दैट हमने माइन का यूज पढ़ा है, तो यहाँ पर आपको कैसे करना है, प्रैक्टिस करनी होगी और स्टेप बाय स्टेप ही आगे जाना होगा। आप ऐसा नहीं कर सकते कि पहले पजेसिव प्रोनाउन पढ़ लेंगे फिर आप नॉमिनेटिव केस पढ़ेंगे, ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। अब देखिए, यहां तो आपको समझ में आ रहा है कि मैं पेन की बात कर रही हूं, यहां पे समझ में आ रहा है बुक की बात कर रही हूं, यहां पे वॉच की, यहां पे चौक की, लेकिन कुछ पजेसिव प्रोनाउन ऐसे भी होते हैं जिसमें थिंग्स को ऑब्जर्व भी नहीं किया जाता, जहां पर थिंग्स को लिखा भी नहीं जाता है, तो इसके लिए हमें एक ना एक रेफरेंस देना पड़ता है। रेफरेंस मतलब क्या होता है, जैसे कि अभी मैं बोलती हूं मैं कुशा महेश्वरी मैम हूं, आगे मैं क्या बोलती हूं, मैं यूट्यूब पर सिखाती हूं, आगे का मेरा क्या हो गया, मैं YouTube पर सिखाती हूँ। तो इस तरीके के रेफरेंस आपको पजेसिव प्रोनाउन में देने पड़ते हैं। और एक इंपॉर्टेंट बात कि यहाँ पे पजेसिव प्रोनाउन को और हम कैसे पहचान सकते हैं, और बड़े सेंटेंस में हमें रेफरेंस जरूरत क्यों पड़ती है। यहाँ पर एक सेंटेंस लिखा है, दैट इज हर पेन एंड दिस वन इज माय पेन। फर्स्ट सेंटेंस क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव है कि क्या है, ये आपको पजेसिव एडजेक्टिव का सेंटेंस है। नेक्स्ट सेंटेंस मैंने लिखा है, सेम सेंटेंस है, वही रिपीट किया है, दैट इज हर पेन एंड दिस वन इज माइन, दिस वन इज माइन। माइन क्या है, यहाँ पर पजेसिव प्रोनाउन होगा, क्योंकि हमने पहले प्रोनाउन का चार्ट देखा है। तो मुझे यहाँ पर जो बताना है वो इम्पोर्टेंट थिंग ऐसे है, यदि मैं इतना ही बोलती हूँ दिस वन इज माइन, तो इससे आपको क्या समझ में आ रहा है, दिस वन इज माइन, मैंने बोल दिया दिस वन इज माइन। लेकिन यहाँ पर कोई चीज लिखी है, मैंने किसी नाउन के बारे में बोला है कि दिस वन इज माइन, हो सकता है दिस वन इज माइन, दिस वन इज माइन, दिस वन इज माइन, मेरे हाथ में वॉच है, लेकिन यहाँ पर कोई भी रेफरेंस नहीं दिया गया है। तो पजेसिव प्रोनाउन में आपके पास में कोई ना कोई रेफरेंस भी होना चाहिए। रेफरेंस के लिए क्या करना होगा, आगे का सेंटेंस
चीज बताता है कि एक्चुअली में कौन सी चीज मेरी है. यहाँ पर लिखा है दैट इज हर पेन. तो यहाँ पर जो पेन के बारे में बताया गया है वो आगे हमें रेफरेंस के तौर पे काम आएगा कि मेरा क्या है यहाँ पर, पेन मेरा है. लेकिन यदि मैं इतना ही बोलती दिस वन इज माइन तो कुछ भी क्लियर नहीं होता. तो जब बड़े सेंटेंस आएंगे पजेसिव प्रोनाउन के तो हमेशा कोई ना कोई रेफरेंस आपको लगेगा, क्योंकि यहाँ पर ऐसा नहीं लिखा है कि दिस पेन इज माइन. यहाँ पर क्या लिखा है, दिस वन इज माइन. सेम थिंग है यहाँ पर, आई डोंट नो विच इज योर वॉच. मैं नहीं जानती कि तुम्हारी वॉच कौन सी है. ये हो गया हमारा पजेसिव एडजेक्टिव का पार्ट, क्योंकि यहाँ पर हमने योर वॉच का यूज किया है. अब नेक्स्ट है आई डोंट नो विच इज योर्स. विच इज योर्स, यहाँ पर यदि मैं इसको ही अंडरलाइन करती हूँ और आप में से किसी को बोलती हूँ विच इज योर्स, तुम्हारा कौन सा है, तो आप लोग क्या आंसर देंगे, क्योंकि आपके पास में कोई भी नाउन नहीं है, कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है. लेकिन उससे पहले यदि आप इस सेंटेंस को पढ़ते हैं आई डोंट नो, मुझे नहीं मालूम है विच इज योर्स, तुम्हारा कौन सा है, तो इस सेंटेंस ने इस सेंटेंस को क्लियर किया है. तो रेफरेंस के लिए हमेशा पजेसिव प्रोनाउन में कोई ना कोई सेंटेंस लगता है. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ग्रामर के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है. तो आपको क्या करना है, जब बड़े सेंटेंस बनाएंगे तो वहां पे रेफरेंस आपको ढूंढना ही पड़ेगा. जब आप पैराग्राफ राइट करते हैं तो इस तरीके के रेफरेंस आपके सामने आ ही जाते हैं. और फ्रेंड्स, यदि आप हमारा ये वीडियो यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो आपको यहाँ पे सिक्वेंस नहीं मिलेगी. सिक्वेंस वाइज वीडियो देखने के लिए तुरंत हमारे ऐप को इंस्टॉल कीजिए. यहाँ पर दो अलग अलग कोर्सेज मिलेंगे, एक है हमारा ग्रामर का कोर्स, दूसरा है हमारा स्पोकन का कोर्स. और फ्रेंड, जो हमारा ग्रामर का कोर्स है वो किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए, कॉम्पिटेटिव एग्जाम होने दीजिए, स्कूल का एग्जाम होने दीजिए, उसको क्रैक करने के लिए आपके लिए मील का पत्थर साबित हो सकता है. क्योंकि हमारे ग्रामर के कोर्स में इस तरीके के डाउट को तो सॉल्व किया है, साथ में पार्ट्स ऑफ स्पीच होने दीजिए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट होने दीजिए, एक्टिव पैसिव होने दीजिए, जीरंड इन्फिनिटीज, ऐसे बड़े बड़े ग्रामर के टॉपिक को भी बहुत इजीली सॉल्व किया है, क्योंकि इंपॉर्टेंट होता है. लेकिन शर्त ऐसी है कि आपको सभी वीडियोस को सीक्वेंस वाइज ही देखना होगा. बिना सीक्वेंस से देखेंगे तो आपको रिजल्ट प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि यूट्यूब पे जो वीडियोस आते हैं उनको सीक्वेंस नहीं मिलता है, जिसके कारण आपको अभी तक रिजल्ट नहीं मिल रहा है. एट लास्ट फ्रेंड्स, आगे की वीडियो को भी जरूर देखिएगा. आगे हम आपको बताने वाले हैं रिफ्लेक्सिव केस क्या होता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है, इसको हम कैसे समझ सकते हैं. और फ्रेंड्स, हमारे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो.